अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम शिव अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। सरकार आउई किसान बीच पांच बुदे समझौता, किसान द्वारा आंदोलन कार्यक्रम तत्काल स्थगित। पश्चिमी वायु के प्रभाव के कारण देशभर बरखा, सुदूर पश्चिम के पहाड़ी तथा हिमालयी जिला में हिमपात के कारण जनजीवन प्रभावित। राष्ट्रीय सभा सदस्य के निर्वाचन में उम्मीदवार होब जा रहा सबके 10,000 धरोटी बुझाव पड़वाक व्यवस्था, अवला रवि दिन उम्मीदवार दर्ता कल जात। अमेरिका विनाशकारी युद्धक शुरुआत के नहीं इराकी प्रधानमंत्री के आरोप, इराकी भूमि में अमेरिकी सेना उपस्थिति आपत्तिजनक भेल टिप्पणी। आ बरखा के कारण खेल रुकलाक बाद सुनसरी में जारी मनमोहन मेमोरियल कप में प्रदेश पांच प्रतियोगिता सब बहराएल। आप पूरा समाचार। सरकार आंदोलनरत उही किसान बीच पांच बुदे सहमति भेलै। सरकार निर्धारण केने उही के मोल बमोजिम की संपूर्ण बकेता रकम चीनी उद्योगी सब 2076 माघ 7 गते भीतर भुगतानी कऽ सकबाक व्यवस्था मंत्रालय मिलाव भेलाक बाद किसान और सरकार बीच सहमति भेलै। उद्योग मंत्री लेखराज भट्ट के उपस्थिति में उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय में भेल विचार विमर्श के बाद पांच बुदे सहमति भेलै। तहिना भुगतानी के समस्या हल कर स्वचालित मूल प्रणाली बनेबाक संबंध में अध्ययन क प्रतिवेदन देव मंत्रालय के सहसचिव के संयोजकत्व में सरकार वाला निकाय सब चीनी उद्योगी किसान प्रतिनिधि आ बिक समेत रहल कार्यदल गठन करबाक सहमति समेत भेलै। सहमति संगे उही किसान सब आंदोलन के संपूर्ण कार्यक्रम सब स्थगित करबाक भेलै। तहिना एहि सन्दर्भ हमरा सबके विस्तृत जानकारी देबाक लेल उही संघर्ष समिति के संरक्षक के रूप में मान चिन्हल जाए वाला राकेश मिश्रा हमरा सबके संपर्क में छथि, हुनका संग बातचीत करब। राकेश जी, जी स्वागत है अपने के मैथिली समाचार में। धन्यवाद धन्यवाद। काल सामी सरकार आ अहाँ सब बीच पांच बुदे सहमति भेलै, की छै सहमति में? हम सब जे है विगत जी जे 15 महीना से एगो गांव से केंद्रित होके जब जिला में गांव में तक सुनवाई न भेल, अनशन बैठली, अनशनों में सुनवाई न भेल, सहमति भेल तो हम सब काठमांडू केंद्रित आंदोलन कैली। और काठमांडू केंद्रित आंदोलन में संपूर्ण समाज के आशीर्वाद रहला के कारण उखू किसान के समस्या प्रति सरकार के गंभीर ध्यान आकृष्ट भेलै। और ओहिमें हम सब जे 11 गो मांग मध्य हमरा सबके तत्कालीन जे पूरा होयवला जे 3 टा मांग के जे अभी संबोधन भेल है जी। और बाकी मांग के कार्यदल बना के और वही कार्यदल के रिपोर्ट आयला के बाद बाकी जो है कार्यान्वयन होत। वही तीन गो में नेपाल जे हमरा सबके पहल मांग रहे जे भुगतानी के भुगतानी माघ 7 गते तक पूरा करवा दे से सरकार जो है लिखित समझौता कैलक। दोसर जे हम सब नेपाल सरकार के 36 रुपया पहले ये उस उद्योगी सब अपना पर्ची पर उल्लेख न कैले रहे ओकर संबोधन कैलक। और सरकार के अनुदान के प्रोसेस रविवार से जो है भुगतानी के प्रोसेस शुरू हो जाए जो में झंझट राख दिले रहे, झंझट रही ये राख दिले कि सरकारी अनुदान प्राप्त करे के लेल एगो किसान ओकरा लालपुर जाके फोटोकॉपी, 4 किला प्रमाणित, स्थानीय से सिफारिश और जो है ओकर उखू कौन प्रजाति के है ओकर कीटाणु प्रमाणीकरण करे के ई मधेश में बहुत झंझट रहले है। 5 कट्ठा वाला जो है एगो किसान है वो दोसर से बटैया लेके वो 5 बीघा के खेती करे छे, तो 5 बीघा के तो लाल पुर्जा ओकरा पास न रहता है, ओकरा पास तो 5 कट्ठा के है, तो 5 कट्ठा में जो तौल होते न दोसर अपना मधेश में स्थानीय में यदि सिफारिश करे तो वार्डा अध्यक्ष के और गांव पालिका अध्यक्ष के तो पता है जो ओकरा पास ही 5 कट्ठा खेत तो केना 5 बीघा के सिफारिश करते। और हमरा सबके समाज में एक करार कानून अभी एते स्टैंडर्ड हमर मधेश के समाज न हो गई दुनिया में के लेखन कि अब जो है बटैयो लेवे के लिए एकदम उजाऊ कपाली कागज पर करारनामा लिखू एहन परम्परा न है। तो हमरा मधेश के जो सहजीकरण के परम्परा है वही के अनुकूल हम सब कहे कि जोन किसान के हाथ में किसान पुर्जी है आ वही में ओकरा जतेक क्विंटल जो है वेट लिखल है वही के आधार पर सीधे किसान जो है 65 रुपया 28 पैसा वही पुर्जी के खाली मिलान करा के सीधे ओकरा खाता में रख दे। एक काम कृषि मंत्रालय के सर्कुलर के आधार पर न मिलित रहले है,
तो ओहिठाम कृषि के जे है कहल गेले जे ई सर्कुलर जतै आ हम सब कहले छी जे रविवार तक की सर्कुलर चल जाए ताकि सोमवार से पैसा मिले। हमरा विश्वास है सरकार बहुत जिम्मेदार निकाय होइ छै और अंतिम जे है सुनवाई के निकाय भी ये है तो यदि कहलक त रविवार से एकर प्रोसेस शुरू होत से हम विश्वास कैले छी। तो ई जे तीन गो महत्वपूर्ण मांग रहले जे डायरेक्ट पीड़ित है किसान अ तीनू के गड़बड़ से रहला से किसान बहुत ज्यादा प्रिय है तीनों मांग के संबोधन के ई व्यवस्था। बाकी हम सब एगो कह रही जे मधेस में जब किसान ऋण ले छी तो वहाँ 36% के ऋण में मिले छे जे जी। सरकार कहे छे जे हम समृद्ध नेपाल बनाबे चाहे छी तो हम सब कहे छी भाई समृद्ध नेपाल के रास्ता कृषक के होके जाए छे और कृषक के आर्थिक उन्नति जब होतै तभी समृद्ध नेपाल बढ़तै। तो जैसे हमरा सब के ऊखू बाली है वह अन्य बाली में भी लागू हो सके। हम सब कहली जे ऊखू बाली के आधार पर ओकरे धीतो राख के सरकार जो है कृषि लोन देव जे लोन 5% तक है सरकार में सब्सिडी वही लोन में दिले है तो ऊखू बाली ही बैंक में धीतो हो गए या जहिया वो बाली कटतै ओकरा बाद जे है सरकार एकरो भी चांसो के ले ले है और वही के आधार पर एक परिचय पत्र जारी कर दे कि भाई ई किसान ऊखू खेती करे छे आ वो परिचय पत्र के आइडेंटिटी और ओकर जे बाली के आधार पर बैंक जे ऋण दे। मधेश के बहुत से किसान परसेंटेज में 90% कर जाएत जे अनुदान में जे कृषि लोन मिले छे ओकर उपभोगे न कर पा रहल है ओकर उपयोग वहाँ के नेता करे छे ओकर उपयोग वहाँ के व्यापारी करे छे। हम चाहे छी जे वास्तविक किसान है तो राज्य के द्वारा सब्सिडी में जे 5% में काम चल जाए वाला तो अई प्रकार के ओकरा अनुभूति करे के लिए ओकरा सहजीकरण दियो आते कागज पत्र खोजे लगबे तो वो किसान जे हमरा यहाँ जे है अभी बहुत पढ़ल लिखल बहुत कम लोग डायरेक्ट किसान में इन्वॉल्व रहे छी भाया इन्वॉल्व रहे छै तै के लिए हम कहली जे हमरा जे है मधेश के जे वातावरण के अनुकूल भी नियमावली होय के चाही। तो अई के लिए यही बात सबके जब हम 15 महीना पहले के घटना कहे छी जब वही क्षेत्र में हम प्रतिनिधि सभा में भी रही और हमरा 28,000 मत मिलल तो हम गांव में घूमली जब किसान रोए लागल तो हम ये चीज़ जै पीड़ा के स्टडी कैली। पहले हम 5 आदमी टीम बना के जे कृषि के जाने वाला PhD के उनका सबके बोलैली हम कहली गांव गांव घूम के तनका हमरा स्टडी करूँ। हम सब तो राजनीति रूप में बेसी काज करै छी जब हम ओकरा भीतर खोतोल दे देली तो 500 करोड़ रुपया देखली जे किसान के बाकी है और किसान जो है वो तरस रहल है बच्चा के फी न तिरा रहल है। काठमांडू के बहुत सारे कॉलेज में हमरा सब के फोन हम सब गारंटी बैठल छी जे किसान के फलना चीनी मिल में एते पैसा बाकी है अतै तहाँ मिल जेते मिलतै उनका बच्चा के है जहाँ एग्जाम से न हटैयो। तो तब हम सब एक गाँव में पूरा एक भेला करके किसान ऊखू किसान संघर्ष समिति सरलाही 4 के गठन कैली और वही गठन कैला के बाद हम स्टेप बाई स्टेप पहले वहाँ के जे डायरेक्ट जो वहाँ उद्योग के समन्वय के भूमिका जो है जिला प्रशासन कार्यालय के रहे तो जिला प्रशासन कार्यालय में हम सब ऊख के लगा लेके प्रदर्शन के लिए कहली जे एकर भुगतानी करू जी उ तैयो न सुनलक। तेकरा बाद हम सब अल्टीमेटम देली तैयो न सुनलक। फिर हम सब किसान साथी सब विचार कैली कि हम सब अनशन बैठी तो जब हम सब अनशन बैठली और अनशन के काफ़ी प्रभाव होय पड़ल समाज पर तो हमरा जिला प्रशासन कार्यालय सरलाही कहलक जे हम संघीय सरकार के प्रतिनिधि छी हमरा सबके साथे बात करू और अनशन तोड़ दू जे किसान के पैसा मिलते तो हमरा सबके लागल कि चल भाई है ना पहले तो सुनलै त सही मांग तो एक बुझा तो रही किसान के समय से पहले कहे सीधे कि सब ले पाई सके कुछ पूर्जी लेके जाइए तो कहीं मिल को रिकॉर्ड आए कुछ है ना तो अ प्रकार के बखेरा करे तो दिमाग में ही बैठ ले हमरा लागल कि राज्य जो है ये समझ रही जो किसान तो निरी है जी जी किसान तो जो है एकदम तुच्छ प्राणी है किसान के लिए कोनो बोले वाला न है ओकरा हाथ में तो कोनो एहन चीजे न है जो लोग डेरत है। नेता सब तो 30 दिन ओकरा जाके पैर छुए छी चुनाव प्रचार के क्रम में जी जी। जब चुनाव खत्म हो गए तो 5 बरस तक कोई किसान से अपन पैर पुजवावे छै अई प्रकार के परंपरा के अंत करे के लिए जो है न्यायिक संघर्ष कैल जाए कह के तो हमारा 5 बुदा जो है सहमति कैलक जिला प्रशासन कार्यालय हमरा लागल तो जब सहमति भेल तो ओकरा थोड़ा सा किसान के ताकत के हल्का एहसास होलै ओहिमे संचार कर्मी के बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका और धन्यवाद के पात्र रहते वहाँ भी तो वही 5 मुद्दा में हमरा जो सहमति कलक तो ठग लेलक हमरा कहलक कि आषाढ़ मसांत के अंदर
संपूर्ण सरकारी बाकी बकेौता आ प्लस विगत के जे बाकी बकेौता है 5 वर्ष से उ हम भुगतानी कर देव और छूटल फूटल और रनिंग आर्थिक वर्ष यानी 75-76 यानी उखू के सेंस में 76 बैसाखे आर्थिक वर्ष मानल जाए छे तब वही में हमरा सब के आ बाकी छूटल फूटल सब बाकी बकेौता रकम हम कार्तिक मसान तक दे देव। कार्तिक मसान तक हम सब वेट कैली, पैसा ना आयल, जिला प्रशासन कार्यालय गेली, कोले निका जाए छी तो उहे कृषि के सर्कुलर बता दे थे लालपुर जाए तो चौहदी परमानी कोले निका के हाकिम माने के लिए तैयार नहीं। उद्योगी मिल तक हमरा याद है कि कार्तिक महीना से पहले भी हम कोनो एहन दिन न है जे एक आध गो किसान लेके कोनो एहन दिन न है जहाँ हम जो है मालिक के घर में न गेल होब, वही मालिक के जो है हम ऑफिस में न होल, सुबह में जाए तो मालिक के घर में जाए किसान आ जाए आवे तो दिन में जाए तो ओकरा ऑफिस में जाए सारा नियम समझौता देखैली वही में ओकरो प्रतिनिधि सिग्नेचर कैले रहे उद्योगी के प्रतिनिधि। एकरा बावजूद भी जब न टेले हमरा साथे जाए जोन किसान के 5 लाख बाकी रहे ओकरा उ 50,000 1 लाख दे देवे तो चल भाई इनका साथे गेली तो तंगा किसान के खुशी भेले तो औरो लोग के क्रम भी चल इनका साथे जेबे तो कुछ ना कुछ मिलत। मतलब अतेक निराश किसान कि 5 लाख जेकरा बाकी है और 50,000 मिलत है तो ओकरा संजोग के मतलब ओकरा चेहरा पर खुशी रहे। हम कहली भाई 5 लाख रुपया 5 वर्ष के बाकी है हमरा साथे गेले है तो डर के मारे जे 50,000 दे दिल के है ना तैयो एत खुशी एक पूरा पैसा मिलते तो किसान के जीवन में खुशहाली खुशहाली रहते समझ के। जब उद्योगी हमार बात न मानल जाए तो बढ़िया बढ़िया मिठाई या चाय हमारा साथे रहे तो किसानों के या हमारो पिया दे या मीठा मीठा बात करे और पैसा न दे। हम सब कही हम सब चाय पिए न आयल हमारा सबके किसान जो आयल है अगर पैसा जब न मानलब तब हमारा पास अब कोई विकल्प न रहा कि यही मुद्दा के संपूर्ण समाज के जानकारी कराएल जाए और सरकार जो है हमरा सब जो किसान के अतेक कमजोर समझे वाला किसान हमरा 10-20 आदमी के जो है बजला से तो ये ध्याने न देत ऐ के लिए मुद्दा प्रति ध्यान आकृष्ट करावे के लिए हम सब निर्णय के लिए कि माइती घर मंडला में खड़ा रह के शांतिपुर सिर्फ अपना जो है बैनर और पोस्टर के मांग रख के सिर्फ पहले समाज के ध्यान आकृष्ट कराया जाए और समाज के सारा समस्या के राष्ट्र के ध्यान आकृष्ट करे के लिए सबसे मतलब शक्तिशाली जे ताकतवर है वो संचार जगत है। तो संचार जगत के जे काही लागदो अवस्था के जब पता चलते तो हमरा सबके विश्वास रहे कि जरूर यही समस्या के जो है सरकार संबोधन करे के लिए बाध्य होते। जब हम सब आबे के बेरी गोरैता में जो है बैस ली किसान सब हम सब तय कैली जे आप चला काठमांडू कोनो उपाय न हो तो किसान सब कहित रहे कि न जे न जाओ ओहिठाम जे हमरा सबके जे वेशभूषा देख के टोकते हमरा सबके बात के वैल्यू करते। हम कहली किसान सबके कि बहुत खर्चीला काम न करू एक गांव से एगो किसान चलू बहुत से बहुत दू गो चलू ताकि जे है कमे किसान से पहले बात आ जरूरी पड़ते तो फिर आए अते दिन पहले जाके सब गोरा केला खर्च करब है ना ये ठीक न है एकरो लेल फिर जे है अहाँ के आर्थिक भार लोने पर पड़त। तो जब हम प्रतिनिधि रूप के यहाँ अयली तो समाज के ध्यान आकृष्ट भी भेल और संचार जगत जे बहुत धन्यवाद के पात्र है और नागरिक समाज विभिन्न सामाजिक संगठन विभिन्न जो है किसान प्रति चिंतित जो है लोग सब अ मुद्दा के अतेक आगे बढ़ रहा है उनका सबके योगदान से पर अतेक ज़्यादा ताकत मिले यानी समाज के ताकत और मीडिया के ताकत वही किसान के ताकत में ट्रांसफर हो गए और ट्रांसफर होला के कारण दुतियाही के सरकार जो है के ध्यान आकृष्ट भेल और सरकार एकरा संबोधन कल के अब हम सब जे है इस संबोधन से उपलब्धि हमरा सब के कतेक मिलत एकर जे है हम सब चर्चा 8 गते से करे वाला छी। 7 गते तक सरकार जे हमरा सब के कहलक जे हम दिलाएब तो हम सरकार के वेट करे चाहे छी इंतजार करे चाहे छी और हमरा सब के कोनो मैकेनिज्म सूचना के आखिर जब हमरा खाली एगो जे हम सब अध्ययन करके आयल रही सरलाही 4 के ओहिठाम 100 करोड़ रुपया है और राज्य हम सब दावी के लिए 100 करोड़ रुपया तो राज्य या मिल उद्योगी यदि हमरा सब के बा गलत है इन्फॉर्मेशन हम सब तो टेलीफोन के आधार पर रिपोर्ट कैले तो सरकार अब उद्योगी जो है अभी तक हमरा सब के बात के विधिवत जो है कहिए जो ते पैसा न है लेकिन ओकर कोनो आधार प्रस्तुत न कर रहले ओकर कोनो ओकरा पास जे उ कहे हम सरकार के दे गेली तो चल भाई तू सरकारे के दे देले तो सरकार कहे जे उद्योगी बाटा आय को रिपोर्ट अनुसार हम सब कहलिए कि उद्योगी बारा आय को रिपोर्ट जो
त्यो रिपोर्ट त उसको आफ्नो कम्प्युटरमा 500 रुपियाँ 536 को साटो 500 ले तय गरेको छ जी। त 500 ले गरेको तयको रकम र 536 को रकममा त फरक पर्छ। मैले भने राकेश जी जी सर्लाहीमै कतै गाउँपालिका स्थानीय तह छ या कुन गाउँपालिका छ कतै कुन मिल्प कतै बाँकी छ कनिक छोटमै हमरा सबके जानकारी करा दी। नै प्रत्येक गाउँपालिकाके त हमसब जे गाउँपालिका 20 टा है जी त ई ओहिमे सम्पूर्ण गाउँपालिकाके जे है गाउँपालिका किसान वाइज हमसब जे है एक बार आह्वान कैले रही कि जते किसान के पैसा बाकी है तो मोटा मोटी टेलीफोन पर लिखाओ। हमसब रकम के मात्र जब हमसब के रकम जब ये जो है बढ़े लगली करोड़ से ज्यादा तो हम कहली खाली टेलीफोन से रकम मात्र नाम छोड़ दियो है ना राम के अतेक श्याम के अतेक उनकर पूर्जी लेके आई थी खाली रकम के अंदाज तो लगाओ तो वही अंदाज में हमारा सबके ही आयल मतलब ऐसे मोटा मोटी कते पाई बाकी है हमरा सबके दाबी जे है कौन कौन मिल पकते अन्नपूर्ण चीनी मिल जी धनकौल पर 50 करोड़ जी महालक्ष्मी बगदा पर 21 करोड़ जी और जो है अनुदान सरकारी अनुदान सहित हमरा सबके दाबी 100 करोड़ जो है दोनों चीनी मिल प्लस सरकार पर हमरा सबके दाबी है। अब 7 गते तक समय देने से कते अस्वस्थ छी कि सरकार ई 7 गते तक मांग पूरा करा सके तेमे देखो आप सरकार पर विश्वास न करे के अलावा हमारा पास हमारा सब चूंकि अंतिम निकाय है संघीय सरकार जी जी तो अंतिम निकाय में हम सब रख लिए हमारा सब चूंकि एक बार ठगा चुकल छी जी अनशन जब हम सब बैसल रही तो हमारा राज्य ठग ले ले है तो मन में तो शंका उपशंका होना ही स्वाभाविक है लेकिन चूंकि राज्य एगो जनता के द्वारा निर्वाचित इकाई के लोग में प्रतिनिधित्व करे छे तो आई के लिए हमारा सब के विश्वास है कि एकर ठोस समाधान निकलत और कार्यदल के भी बाद में जे हम सब बात रख रहे थे कि हमरा सब के उखू किसान के मन भेल त लगैलक आ वो अपने हिसाब से चल रहल है। हम सब कहले कि उखू मधेश के जे है नगदे वाली है आइ के लेल ओकरा लेल विशेष व्यवस्था त करियो ओकरा अनुसार बीउ वहां उपलब्ध करियो बीउ भी किसान खरीदे छे जी जी आ एकरा बाद जे है मल खाद सब जे है महंगा में खरीदे छे। भाई तो हम कहे छी एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के बात अइ देश में है तो उखू के जे है राष्ट्रीय वाली घोषणा क के अहाँ ओकर व्यू तो फ्री में दियो वहाँ के कैश जनता के दे रहले जोन है ना ऊख तो वही ऊख के जे है अहाँ तो ऊ तो दियो ओकर तो इस सब पर सरकार भी गंभीर भेल है। अब बहुत बात एकरा सब के पते न रहे चूंकि एसी में बैठ के जी जी काठमांडू के जब सह सचिव सब नियम कानून बनत है तो हमरा सब लेखन जहाँ सुदूर मधेश में रहे वाला बॉर्डर और हुलाकी के इर्द गिर्द तो ओकर तो सब कुछ स्वाभाविक ही गलत होबे करते आइ के लिए हम कहलिए कि वहाँ के नियम कानून बनाबे के लिए कि वही मिट्टी से लेढ़ायल उढ़ायल आदमी के राखू जे अहाँ के ठीक से सूचना तो देत जे हम सर्कुलर कृषि के सर्कुलर पर आधारित कैले तो हमरा कहे के मतलब जे मधेश और प्लस नेपाल अइ दोनों के समृद्धि के एकमात्र दोसर कोई रास्ता न है कि कृषक के समृद्धि और कृषक के समृद्धि के मतलब ओकर जे उपजनी में बेनिफिट के परसेंटेज बढ़े के चाहे और जहिया से देखे जी तहिया से धान जो है वही रेशियो में है धान के मूल तो कुछ कटे हमरा सब के साथ समय कम है बहुत महत्वपूर्ण बात सब अपने जानकारी कर ले श्रोता सब के सेहो दर्शक सब के सेहो बात जानकारी भ गेले समय देलो ते के लेल बहुत बहुत धन्यवाद। आप हम सब चलै छी बाकी समाचार दिस। बर्खा हिमपात के कारण काठमांडू उपत्यका लगायत देशभर के समस्या गंभीर बनैत जा रहल है जनजीवन सेहो प्रभावित बनल है। हिमपात के कारण सुदूरपश्चिम के 7 पहाड़ी जिला राजमार्ग अवरुद्ध है। डडेलधुरा लगायत बेतड़ी बझांग डोटी बाजुरा दार्चुला जिला के उच्च लेकाली भेग में हिमपात के कारण ठंडी बढ़ल है। हिमपात के कारण मनांग के हुमदे और मुस्तांग के जोमसम विमानस्थल अवरुद्ध भेल है। लगातार हिमपात के कारण लमजुंग से मनांग जावला बाट सेहो बंद भेल है। मुस्तांग और मनांग के उच्च भेग में चौड़ी सेहो युद्ध से झपला के कारण स्थानीय सब जानकारी देने सब मौसम पूर्वानुमान महाशाखा सही दिन मौसम में सुधार अला बादो देश के किस स्थान में मौसम बदली हवा का वर्षा हवा का हिमपात सेहो हवा का अवस्था कायम रहल जानकारी देने सब। मैथिली समाचार में छोट विश्राम मैथिली समाचार में अब आर्थिक समाचार आर्थिक समाचारक संग
पौर चैत में सम्पन्न लगानी सम्मेलन में प्रस्तुत कैल गेल में 14 परियोजना के पूर्व योग्यता मूल्यांकन सम्पन्न भेलै छ। लगानी बोर्ड 11.88 अरब रुपया बराबर की परियोजना के संभावित लगानीकर्ता के सूची तैयार कने छ। शुक्र दिन लगानी बोर्ड पत्रकार सम्मेलन क बीतल चैत में सम्पन्न लगानी सम्मेलन 2019 में प्रस्तुत भेल 50 परियोजना में से 14 परियोजना के पूर्व योग्यता मूल्यांकन सम्पन्न कने जनौलक। बोर्ड 11.88 अरब रुपया बराबर के 14 परियोजना के पूर्व योग्यता मूल्यांकन क योग्य लगानीकर्ता के सूची तैयार कने जानकारी देने छ। जाहिमे से 756 मेगावाट के तामोर जलाशय युक्त जलविद्युत परियोजना के विस्तृत सभ्यता अध्ययन के लिए कंपनी छनौट भ चुकल बोर्ड जानकारी देने। बोर्ड 10.54 अरब रुपया अनुमानित लागत में व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग तथा एसेम्बलिंग प्लांटक लेल कोरिया के मेट्रोक्स कंपनी संग समझौता कने तथा प्रदेश एक के दमक में चाइना नेपाल फ्रेंडशिप पार्क निर्माणक लेल 64.61 अरब रुपया लगानी करवाक समझदारी भेल जनौने। तहिना विराटनगर वीरगंज आ भैरहवा में निर्माण होब लागल 13 अरब रुपया लागत के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्कक विस्तृत अध्ययन के लिए दू कंपनी संग समझौता भेल समेत बोर्ड जानकारी देने। पिछला समय हेड फंड संचालन में अनाय आ सरकार देशे के रेटिंग करय लगनाय वैदेशिक लगानी के वातावरण बनैत के बोर्ड के दावी है। आप स्वदेश लगानीकर्ता के भेटवाक सुविधा विदेशी लगानीकर्ता के सेहो भेटवाक भेला सँ लगानी सम्मेलन में प्रतिबद्धता सब कार्यान्वयन में जेबाक बोर्ड के कहबै छ। देश के रेटिंग गर्नु सोवरेन रेटिंग को इश्यू थियो जुन कुरो अर्थ मन्त्रालयले सुरु गरिरहेको छ। अर्को हेजिङको इश्यू थियो करेन्ट रिस्कसँग रिलेटेड, त्यो पनि हामीले एडभोकेट गऱ्यौँ, एक खालको व्यवस्था गरिया छ। त्यो सफिसियन्ट छैन भनेर अरू व्यवस्थाको लागि पनि एक्सर्साइज गरिरहेछ। हामीले एउटा इस्यु सल्टायौँ भने पनि भोलि अर्को इस्यु आउन सक्छ, अर्को देशमा अर्को खालको पोलिसी, अर्को एट्र्याक्सन हुनसक्छ, प्रतिस्पर्धा व्यापक छ अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा, त्यही अनुसार हामी पनि जान सक्नुपर्छ। बोर्ड लगानी सम्मेलनमै हस्ताक्षर तथा घोषणा भेल 16 समझदारी सब कार्यान्वयन भरल समेत जानकारी दिँदैछ। तहिना सम्मेलनमै प्रस्ताव नै कैल गेल परियोजनामै प्राप्त 15 प्रस्ताव में से 10 परियोजना सब कार्यान्वयन के लिए अध्ययनक शरण में रहल सेहो बोर्ड जनाउने। स्वदेशी लगानीले पाएको चाहिँ सुविधा अथवा ट्रिटमेन्ट जे हो त्यो बाहिरकोले पनि पाउँछ भन्ने एस्युरेन्स हाम्रा लहरले दिया छन्। त्यो चाहिँ हामीले दिने प्रत्याभूति कानुनले नै दिएको अवस्था हो। बोर्ड अरुण 3 जलविद्युत आयोजना के महत्वपूर्ण काज सब समापन तथा हुङ्सी सिमेन्ट 2 चरण के उत्पादन शुरू कर लागल समेत जानकारी देने। अब खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक ए डिविजन लीग अन्तर्गत आइ शनि दिन काल्हि रवि दिन कहल गेल खेल सब स्थगित भेलै छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा खराब मौसम के कारण देखबै त शनि दिन आ रवि दिन होबयवला खेल सब स्थगित कने जानकारी गराउने छ। लीग के 5 चरण अन्तर्गत शनि दिन साबिक विजेता मनाङ मर्च्याङदी क्लब आ मछिन्द्र फुटबल क्लब तथा एनआरटी आ जावला खेलबीच खेल होबके तय भेल छल। तहिना रवि दिन सेहो हिमालयन शेर्पा फ्रेन्ड्स क्लब बीच खेल होबयवला तय भेल छल। बर्खा से मैदान खराब भेलाके कारण एन्फाक लीग कमिटी के आपतकालीन बैसार से लीग 2 दिन स्थानांतरण करवाक सेहो निर्णय कयल गेलै छ। आब लीग के 5 चरण के खेल सब सोम दिन से शुरू होयत। जाहि अनुसार सोम दिन मनाङ आ मछिन्द्र तथा एनआरटी आ जावला खेलबीच खेल होयत। तहिना मंगल दिन हिमालयन शेर्पा आ फ्रेंड्स क्लब बीच खेल हेबाक भेलै त 5 चरण के सब खेल 10 रंगशाला में होयत। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सकबेर। सरकार आउँ किसान बीच पाँचपुदे सम्झौता, किसान द्वारा आन्दोलन कार्यक्रम तत्काल स्थगित। पश्चिमी वायु के प्रभाव के कारण देशभर के में वर्षा, सुदूरपश्चिम के पहाड़ी तथा हिमाली जिला में हिमपात के कारण जनजीवन प्रभावित। राष्ट्रीय सभा सदस्य के निर्वाचन में उम्मीदवार होब जाहिर, चाहि रहल सबके 10,000 धरोटी बुझाव पड़वाक व्यवस्था, अबला रवि दिन उम्मीदवार दर्ता कयल जायत। अमेरिका विनाशकारी युद्धक शुरुआत केने इराकी प्रधानमंत्री का आरोप, इराकी भूमि में अमेरिकी सेना उपस्थिति आपत्तिजनक भेल टिप्पणी। आ बरखा के कारण खेल रुकला के बाद सुनसरी में जारी मनमोहन मेमोरियल कप में प्रदेश 5 प्रतियोगिता से बहरायल। एखनुक लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमरा सबके वेबसाइट janatasamachar.com में सेहो पढ़ देख आ सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार, हमरा सबक प्रतिबद्धता। नमस्कार।